मोहर लगी थी और इसी अदालत में अब नीरव मोदी को लेकर मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सियासी खबरों की बात। अब बात प्रियंका की गंगा यात्रा की। प्रियंका की गंगा यात्रा का आज काशी में क्लाइमेक्स हो रहा है। प्रियंका फिलहाल काशी में मंदिर मंदिर घूम रही हैं, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को हवा दे रही हैं। काशी में आज उन्होंने घाट पर मंदिरों में दर्शन किए, फिर गंगा की आरती की और उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इससे पहले जब उन्होंने रोड शो किया तो लोगों ने उन पर फूल बरसाए। कुल मिलाकर प्रियंका की इस गंगा यात्रा से कांग्रेस को कुछ न कुछ सियासी फायदा जरूर मिलेगा। तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, रोड शो करती हुई प्रियंका गांधी, और इस दौरान रास्ते में जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने प्रियंका गांधी पर फूल बरसाए। दूसरी तस्वीर है, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंची प्रियंका गांधी, विधिवत पूजा अर्चना की है। और तीसरी तस्वीर देखिए, घाट घाट घुमा उन्होंने, पूजा अर्चना की है, गंगा आरती में भी शिरकत किया। जाहिर सी बात है, ये तीन तस्वीरें इस बात का संकेत दे रही है, इस बात की गवाही दे रही है कि यूपी में पैठ बनाने की कोशिश कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे। और चलिए सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। प्रियंका गांधी इस वक्त वहां पर कुछ बोल रही है, सुनते हैं। कुछ पार्टियों के पास है आजकल, उनके लिए और भी आसान है इस तरह की राजनीति करना, लेकिन राजनीति का मकसद कुछ और है। और आप कार्यकर्ता हैं, गांव गांव में जाते हैं। मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूँ काफी से, यहाँ बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता दिख रहे हैं मुझे, और राजनीति में भी मेरा तजुर्बा आपसे कम है। मैंने अमेठी रायबरेली में काम किया, रायबरेली और अमेठी में मेरा काम क्या था, मेरा काम ये था कि मैं बूथ तक अपने संगठन को गठित करूं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता बने, उनकी सुनवाई हो, उनकी भागीदारी हो, ब्लॉक में भागीदारी हो और क्षेत्र में भागीदारी हो। तो मुख्य रूप से मैंने ये काम किया, और मेरी समझ में अगर संगठन का काम है तो यही सबसे बड़ा काम है कि जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसकी पहचान हो। आप जानते हैं कि हमारे संगठन में अभी कुछ काम खामियां हैं, इनको दुरुस्त करना है। लेकिन एक और चीज है, हमारी मजबूती हमारी विचारधारा है। गंगा माँ के बारे में आपने बात की, आपने पूछा गंगा माँ क्या है। गंगा माँ उदार है, किसी में भेदभाव नहीं देखती, किसी को ये नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। गंगा माँ हमारे इस देश की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को बनाया, कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को स्वतंत्र बनाया। हम लड़े थे ये लड़ाई, हमारी पार्टी लड़ी थी ये लड़ाई, और सत्य के आधार पे ये लड़ाई लड़ी गई, सत्य के आधार पर। आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना घुसपैठ कर रहे थे, मैं आज रास्ते में आ रही थी तो किसी ने कुछ भाजपा का नारा लगा दिया आपने, तो चाटे मार दिए। ये हमारी राजनीति नहीं थी, नहीं मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन ये हमारी राजनीति नहीं थी। हमारी राजनीति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां सही, अंग्रेजों से मारपीट सहा, लेकिन हाथ नहीं उठाया, सिर्फ सत्य को सामने लाए। और वो सत्य क्या था, आज भी वही सत्य मौजूद है इस देश में। वो सत्य ये था कि जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था, जनता के दुख थे और उनकी सुनवाई नहीं थी, जनता का राज नहीं था। आज इस देश में वही स्थिति है। फर्क ये है कि हमारे तानाशाह जो है वह हिंदुस्तानी है, फर्क यही है। मैं जहां जहां जाती हूँ, यहाँ इस घोषणा पत्र में बुनकरों की बात की है उन्होंने, आप बताइए बुनकरों के उद्योग को क्या हुआ है इनके राज्य में।
मजदूरों को क्या हुआ है? जो स्कीम मजदूरों के लिए बनी थी, मनरेगा जैसी स्कीम जिसमें मजदूरी करते 100 दिन का आपको पैसा मिलता, आज 6-6 महीनों के लिए वो पैसे नहीं मिलते। कोई आवाज उठाता है उसको पीटा जाता है, कोई कुछ कहता है, यहाँ पे लिखा है महिलाओं के लिए लिखा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की महिलाओं को क्या किया? जब उन्होंने आवाज उठाई आपने उन पर लाठी मारी? यही नहीं, आज मुझे ताज्जुब हुआ, उनमें से कुछ लड़कियां मेरे साथ नाव पे थी, आज मुझे ताज्जुब हुआ कि उनके माँ बाप से ये चिट्ठी लिखवाई गई कि लड़कियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या महिला पुरुष में कोई अंतर है इस देश के संविधान में? क्या हमें प्रदर्शन का, हमें आवाज उठाने की कोई अनुमति नहीं है? कौन होता है? कोई भी हमें रोकने वाला कौन होता है? ये राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, सब प्रताड़ित है। कल मैं रास्ते में मैं आ रही थी तो ट्रेन की फाटक बंद थी, हम वहां रुके रहे 10-15 मिनट। नौजवान आए हमसे बात करने के लिए, मैंने पूछा नौकरी है, रोजगार है? किसी एक ने नहीं कहा कि रोजगार है। मार्केट में से निकले जो भी आया, रोजगार नहीं है, 2 करोड़ रोजगार का नाम कहा था आपने, प्रचार किया था बड़ा बड़ा। तो अब इस सिलसिले में अगर परिवर्तन लाना है तो कौन लाएगा? जनता लाएगी, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, मेरे कार्यकर्ताओं का, आप सबका। और आपकी मंशा कभी नहीं होनी चाहिए कि आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। लोकतंत्र में जितना खिलाफ बोले, जितनी जनता की आवाज उठे, उतना मजबूत लोकतंत्र बनेगा। आप बताइए, अगर मीटिंगों में आप शिकायत नहीं कर सकते मेरे से, तो परिवर्तन कैसे आएगा? तो शिकायत करने की तो हमारी आदत ही है। चलिए आगे बढ़ते।